एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग में स्पेशल क्या है वो मैं आपको बता दूं पहले। एक्चुअली मम्मा पापा ना आज कहीं गए हुए हैं, तो गौतम और मैं घर पर अकेले हैं। सो बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों चीज़ों की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस ब्लॉग को भी शेयर करूँ कि कैसे हम दोनों उस पूरे दिन को मैनेज करेंगे। और चलिए तो अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। फिलहाल गौतम गया है जिम और मैं सोचूं कि मैं भी घर पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। एंड फॉर ब्रेकफास्ट आई एम थिंकिंग कि मैं बनाऊंगी सैंडविचेस। तो उसके लिए मैंने ब्रेड एंड पनीर गौतम से मंगवा दिया, बाकी सारी चीज़ें थी अवेलेबल। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड इंटेंशन। सो वर्कआउट डन गाइज, और अब मैं सोच रही हूँ कि हनी लेमन वाटर बनाती हूँ, और क्योंकि वर्कआउट के बाद अब काफी अच्छा होता है, सो रिफ्रेशिंग फील करने के लिए भी, और वैसे भी अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। तो फिलहाल मैं बनाती हूँ हनी लेमन वाटर और फिर उसके बाद नहाऊंगी। गौतम भी अब तक जिम से आ गया है और फिर हम दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट। तो गाइज मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गई हूँ नहाकर, और अब मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन सैंडविचेस के लिए। सो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे बैटर जो भी मटेरियल होता है वो बना के रेडी कर लिया है। सो मैंने बाद में देखा फ्रिज में तो कैप्सिकम भी नहीं थी, तो मैंने ना सिर्फ पनीर और कैप्सिकम, अनियन, टमाटो ऐड कर और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि सॉल्ट ऐड किया थोड़ा सा, देन उसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है एंड जस्ट टू मेक इट हेल्दी। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड की है और चिली फ्लेक्स ऐड किया है, बाकी कुछ और वैसी चीज़ें ऐड नहीं की। मतलब अगर आप चाहो तो आप मियो भी ऐड कर सकते हो, बट आई एम नॉट एडिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट हेल्दी। ठीक है, तो अब बनाते हैं सैंडविच। और इसमें सैंडविच में भी दो ऑप्शन हैं, इधर मैं बटर में बनाऊँ या फिर घी में बनाऊँ। सो गौतम के लिए आई एम गोइंग टू मेक इट इन बटर बिकॉज उसको थोड़ा क्रिस्पी चाहिए, बट अपने लिए बिकॉज मेरे को थोड़ा सा और हेल्दी साइड में रहना है इसलिए मैं इसमें घी ऐड करूंगी। मतलब घी में ऐसे यू नो सेकूंगी ब्रेड को। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट सैंडविच बनाने का प्रोसेस। तो गौतम के लिए बनेगा इसमें और मेरे लिए बनेगी घी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस में मैंने वो भी रख दिया है, क्या बोलते हैं उसे, तवा रख दिया है हल्का गर्म होने के लिए। तब तक बाय द टाइम मैं सारा ये सेट कर लूंगी। और फिलहाल लेते हैं एक प्लेट जिसमें मैं लूंगी दो ब्रेड। ठीक है, दो ब्रेड मतलब फिलहाल एक से शुरू करेंगे ना, कुछ नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी और मतलब इतनी हेल्दी और यम लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये हेल्दी नहीं लगेगी बिकॉज इट्स हेल्दी एंड यम एट द सेम टाइम। सो आई एम जस्ट एडिंग, ये सारा प्रिपेयर करके मैं गई थी नहाने से पहले और अब इसको सिर्फ इसमें लगाऊंगी जितना क्वांटिटी आपको चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से फिल्ड सैंडविचेस ज्यादा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा ज्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि यू नो थोड़ी ऐसे ऐड करूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, साथ में मैंने ना इसमें
कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि पनीर जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। ऑल्सो जो कैप्सिकम है, सॉरी कैप्सिकम तो है ही नहीं इसमें, ऑल्सो जो वो है ना पनीर बाइंडिंग का काम करेगा, तो आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसे अब ऐसे टोस्ट कर लीजिए अच्छे से बटर के साथ या घी के साथ, जो भी आप चाहें। मैंने हाँ थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें केचप ऐड किया था, तो बाकी केचप और पनीर दोनों ही मतलब थोड़ा अच्छे से वो बाइंड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें डायरेक्टली वेजीज ऐड किया, और ये रॉ वेजीज है तो ये सारी ऐसी वेजीज हैं जो आप रॉ खा सकते हो, सो इट्स हेल्दी ऑल्सो एंड इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो। मैंने आज तक इन सैंडविचेस को जितने लोगों को खिलाई है, नो वन हैज एवर सेड कि उन्हें पसंद नहीं आई, एवरीवन लव्ड इट। एंड सो या आई एम शेयरिंग इट विद यू। सो गाइज ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा और सैंडविचेस काफ़ी अच्छे बने थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत अपना काम किया और अब ऑलमोस्ट बज रहे हैं 1:15, ठीक है। तो मैंने सोचा कि फ्रूट्स खा लेते हैं और उसके बाद 2:15 तक हम खाएंगे करेंगे लंच। तो अभी मैं फ्रिज में मैंने देखा था मस्कमेलन रखा हुआ है जो खरबूजा होता है और वो रखा हुआ है। सो मैंने सोचा कि चलिए 15 मिनट्स पहले मैंने उसे निकाल दिया था और अब कट करती हूँ और गौतम को भी देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। And dancing the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite. So guys, अब 1 घंटा मतलब हो गया है, 2:30 बज गए हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से प्रिपरेशन कर लूँ। मैंने पहले सारी प्रिपरेशन कर ली क्योंकि अगर साथ में वीडियो बनाती तो मुझे बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा जल्दी से प्रिपरेशन कर लूँ, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी सब दिखा दूंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें बना दी है मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। वेट दिखाती हूँ। बेसिक तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पे मैंने कुकुम्बर को रखा है रायते के लिए, यहाँ पर राइस करे हैं, रखे हैं, भिगा दिए थे, ठीक है। मसाले रख दिए हैं, देन यहाँ पर आलू को भिगा के रखा हुआ है। यहाँ पर इसमें है पहाड़ी नमक, यहाँ पे प्याज, मिर्च, पहले मैंने सोचा था 2 ऐड करूंगी बट अब 1 ही ऐड करूंगी क्योंकि गौतम नहीं खाता है, देन टोमेटो, देन यहाँ पे मैंने पनीर भिगा दिया था सुबह जब सैंडविच के लिए लेकर आए थे सो दैट फ्रेश रहे, देन यहाँ पर है कर्ड। ये सारी चीजें हैं और चलिए खाना बनाते हैं। बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, अब इसमें राइस ऐड करूँगी, पनीर ऐड करूँगी एंड देन 1 व्हिसल लगाएंगे। सो गाइज व्हिसल आ गई है, जब तक उसका प्रेशर निकल रहा है प्रेशर कुकर का तब तक मैंने सोचा वो बना लूँ, रायता बना लूँ। रायते के लिए मैंने प्रिपेयर करके रखा था ऑलरेडी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कर्ड, तो ये मम्मा जमा के गई थी कर्ड, मैंने रखा हुआ था, तो बस अब इसमें कर्ड ऐड करूंगी और इसमें ऐड करेंगे 1 सेपरेट स्पून से पहाड़ी नमक जो मम्मा ने बना के रखा हुआ है। पहाड़ी नमक की खुशबू ही अलग होती है यार, तो वो रखूंगी। इतना सही। स्लो लाइक दिस। अभी इसमें ना आई एम थिंकिंग कि जीरा को रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके वो ऐड करूँ तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है, पर और कुछ ऐड करने की जरूरत है इसमें, विच इज टेस्टी। थोड़ा सा नमक और
थोड़ा सा कर्ड और ऐड करना पड़ेगा। कर्ड भी ऐड कर दिया है, फिर से नमक भी ऐड कर दिया है। पहाड़ी नमक में ना एक्चुअली सारी चीजें मिली होती हैं, मतलब हरी मिर्च मिली हुई होती है और भी काफी सारे मसाले ऐड करके ये बनता है। अगर आप लोगों को कभी जानना हो कि पहाड़ी नमक कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। एंड इट इज वेरी टेस्टी, मतलब ये ना किसी भी खाने में चार चांद लगा देता है, ट्रस्ट मी। एंड सो रायता भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें अब मैं जीरा करके ऐड करूंगी, मतलब ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड करूंगी और उसके बाद दैट्स इट, हमारा हो जाएगा रायता रेडी। और इसको भी बंद करके रख देते हैं क्योंकि मम्मी किचन एज इट इज रहनी चाहिए मम्मी के आने के बाद भी, ठीक है। इज रेडी गाइज, यहाँ पर मैंने इसमें जीरा रख दिया था रोस्ट करके, ग्राइंड करके, फिर उसको ऐसे रख दिया था। ये रे मेरे राइस और ये रही मेरी आम की और पुदीने की चटनी। हाय गाइस, सो आई एम बैक और अभी बज रहे 6:30 और मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा मम्मी लोग पूरे दिन खाना कैसे बनाते हैं, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा दिन सिर्फ किचन में ही हूँ। मतलब दिन में हमारा लंच हो गया था और ट्रस्ट मी चावल बहुत अच्छे बने थे, मतलब बहुत यम थे। और मैंने ना पहली बार पुलाव बनाया एंड इट वॉज यम, सीरियसली, मतलब आई एम नॉट लाइंग इट बट जेन्युइनली बहुत अच्छा था। और अभी मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्री की सब्जी, क्योंकि आई डोंट नो वाई मेरा मन किया, तो मम्मा और पापा शाम तक अभी वापस आ जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि आलू न्यूट्री की सब्जी बना देती हूँ, जिसके लिए मैंने ये न्यूट्री, अब मैं इसको सोक कर रही हूँ, ठीक है। ये न्यूट्री अभी गौतम से मंगवाई थी, ख़त्म हो रखी थी क्योंकि वो जिम जाता है ना तो यूज़ करता रहता है, मतलब वो सोया चंक्स और वो खाता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इसमें अभी इसको सोक कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस शुरू करूँगी थोड़ी देर में, बिकॉज 8:30 बजे तक मुझे खाना रेडी करना है और देखते हैं। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे दिन खाने का व्लॉग बन रहा है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, अब पूरे दिन में मैंने यही किया तो मैं क्या करूँ, दिखा दिया। हाय गाइस, सो मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये चॉप करके रख दिया अनियन एंड टमेटोज, और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन को भी ऐसे कुछ तो करके रख दिया है, मतलब प्रिपेयर करके रख दिया है, पेस्ट काइंड ऑफ बना लिया है बट फ्रेश बनाया है। सेकेंडली न्यूट्री को मैं दिखाती हूँ, न्यूट्री यहाँ पे फ्राई हो रही है और सारा ऑयल इसने यू नो सोख लिया है, सोक कर लिया है। सो यहाँ पर अभी न्यूट्री को मैं करूँगी फ्राई, न्यूट्री फ्राई हो रही है और साथ में ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। ये गई भी थी दोस्तों, ये गई भी थी सुबह से, अब आई है। सो हमारा डिनर हो गया है, मम्मी पापा आ गए हैं और हमने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया बिकॉज सब बहुत थके हुए हैं आज, और कल सुबह भी हमें कहीं निकलना है जिसके लिए मुझे पैकिंग भी करनी थी अभी, जो मैंने सोचा था इसी ब्लॉग के साथ ऐड करूंगी, बट मैं इतनी थक गई हूँ अब और मम्मा भी इतनी थकी हुई है कि हमने ना बस कपड़े रख लिए हैं और मैंने मम्मा को बोला कि मैं सुबह सारा पैक कर दूंगी, तो सुबह मेरे को उठ के पैक करना है, तो वो ब्लॉग भी मैं कल शुरू करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा, ये बहुत रॉ ब्लॉग था एंड बेसिकली मतलब यू नो सिर्फ खाना ही बनाया मैंने पूरे ब्लॉग में, बट इट वाज जस्ट कि हाउ यू मैनेज थिंग्स व्हेन योर लाइक पेरेंट्स आर अवे और या कहीं चले जाते हैं तो कैसे आप लोग मैनेज करते हो, जस्ट वही ब्लॉग आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं विथ अगेन सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड इंटेंशन एंड मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अब मैं चली मतलब सोने और क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।